विपक्ष का रोल हो या देखिए, जैसे हरियाणा राज्य को लेके इस तरह के जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि हरियाणा राज्य के खिलाफ ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरह के मामले जो है ना केवल हरियाणा में, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हैं, वहां भी बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत एक चिंता का विषय है। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे आपराधिक मामले जो है और इस तरह के मामले विशेष तौर से हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ ना हो, हमें सबको आगे निकल कर आना पड़ेगा। और हमने जैसी बात की है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जहाँ भी FIRs दर्ज होती हैं, जहाँ भी मामले आए, वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है इनका जल्दी निपटारा हो ताकि दोषी को जो है जल्दी सजा मिल पाए। देखिए, सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पे संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग भी ली है, पुलिस बोर्ड की मीटिंग वो ले चुके हैं, सभी को सख्त आदेश दिए गए हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और हमें इस बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा कि ऐसा ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है या केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सभी को अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए इस तरह की घटनाएं ना हो उसकी निंदा करनी चाहिए।